यार मुझे कनाडा जाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या शुरुआत करूँ, कॉलेजेस, कोर्सेज, फीस, जॉब वगैरह, तो लाइक कैसे करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। सो आपको भी यही कंफ्यूजन है कि कनाडा कैसे जाना है, वहाँ की जर्नी क्या होती है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूँ मयूरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनाडा की एंटायर स्टूडेंट जर्नी के बारे में। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कनाडा की एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि वहाँ पे कौन कौन सी एजुकेशन सिस्टम होती है। सबसे पहला होता है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री मोस्ट प्रोबेबली 4 ईयर की होती है और यूजी प्रोग्राम्स होते हैं 2 to 3 ईयर्स के, जिसकी एलिजिबिलिटी होती है 12th ग्रेड के स्टूडेंट होते हैं वो यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीजी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 3 ईयर्स का यूजी डिग्री आपके पास होना चाहिए या फिर 4 ईयर्स की होनी चाहिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया में आ जाए। और 4 ईयर की डिग्री आपके पास होती है तो आप इजीली मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेक्स। अगर आपको कनाडा के लिए अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले इंटेक के बारे में पता चलना चाहिए, और इंटेक का वीडियो यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तो आप पूरी इंटेक की डिटेल्स भी देख सकते हो। तो देर आर 3 इंटेक्स इन कनाडा। फर्स्ट है सितंबर, सेकेंड वन है जनवरी इंटेक, एंड थर्ड वन इज मे इंटेक। मे इंटेक के अंदर आपको सबसे कम कोर्सेज मिलते हैं और कॉलेजेस भी काफ़ी क्लोज हो जाती है, और सबसे हैवी इंटेक होती है। इसमें सारी कंट्रीज में जितने भी अलग अलग कंट्री से स्टूडेंट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एशियन स्टूडेंट या इंडियन स्टूडेंट, तो सितंबर इंटेक में सबसे ज़्यादा इनके पास कोर्स सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप सबसे सितंबर इंटेक को देना, सेकंड प्रायोरिटी आपकी रहती है जनवरी इंटेक में। बट वन मोर थिंग, अगर आप सितंबर इंटेक मिस कर चुके हो तो आप जनवरी तक आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होती है, बट आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर स्टडी में देखना पड़ेगा कि आप लेट आए हो तो काफ़ी स्पीड में आपका सेमेस्टर जाएगा। सो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है कॉलेज सिलेक्शन। तो कनाडा की कॉलेज जो टॉप रेंटेड 5 कॉलेजेस है, जिसका पूरा लिस्ट है यहाँ पे, आपको सारी टॉप लिस्टेड कॉलेज का लिस्ट आपको मिल जाएगा आउट ऑफ 100 कॉलेजेस। तो सबसे पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मैकगिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी। फिर आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में अगर यूजी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपका 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, उसके बाद आपके आईएल्स के जो भी बैंड स्कोर होते हैं वो चाहिए, और पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, ताकि आप कॉलेज में एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो, और ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके अंदर आपके 2 डॉक्यूमेंट और एड ऑन हो जाएंगे। फर्स्ट वन है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड सेकेंड वन है LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये दोनों कंपलसरी आपको चाहिए होगा। और हाँ, आप डायरेक्ट कॉलेजेस में एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट कॉलेजेस में एप्लीकेशन कर सकते हो, आपके चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे कॉलेज में एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने का, और उसकी फ़ीस रहती है आपकी अप्रोक्सीमेटली $150 कैनेडियन के हिसाब से। आप पीजी लेवल के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास वन मोर डॉक्यूमेंट ऐड होना चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इजीली एडमिशंस मिलने के चांस मिल जाते हैं। और बाकी रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपकी जो भी मार्कशीट होती है अभी तक की जितनी मार्कशीट है वो, फिर LOR, SOP, IELTS के बैंड, और एज वेल एज आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास लिस्ट आउट होने चाहिए। और आपकी अगर पीजी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी फ़ीस रहती है $120 कैनेडियन के हिसाब से। कॉलेजेस के अंदर एप्लीकेशन आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ जितनी भी इंटेक आती है उससे पहले काफ़ी स्टूडेंट ने अपनी प्रिपरेशन की हुई होती है, तो एप्लीकेशन फटाफट से एक्सेप्ट हो जाती है। तो ऐसा ना हो जाए कि आपकी एप्लीकेशन आने तक कॉलेजेस की सीट्स जो भी होती है वो फुलफिल हो जाए, फिर आपके पास नेक्स्ट इंटेक तक वेट करने का टाइम होना चाहिए। तो ये आपको सबसे बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है लिविंग कॉस्ट के बारे में। लिविंग कॉस्ट वो डिपेंड होता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, अगर आप वहाँ पे कैसे खर्चे करते हो, आपकी जो डेली रूटीन्स के जो भी स्टफ होते हैं वो किस तरह से मैनेज करते हो वो आपके ऊपर होता है, तो लिविंग कॉस्ट आपको उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको जॉब के लिए देखना पड़ेगा कि जॉब, अगर आप कॉलेज में स्टडी करते हो तो आपको वीकली 20 आवर की जॉब की परमिशन मिलती है, जिसमें आप 20 आवर के ऊपर नहीं कर सकते, और जब आपका वैकेशन होता है उसके अंदर आप 40 आवर तक की जॉब कर सकते हो पर वीक के हिसाब से। और हाँ, सबसे अच्छा एडवांटेज वही होता है जो कैंपस के इनसाइड जो भी स्टूडेंट्स जॉब करते हैं उनके लिए जो वर्किंग आवर होते हैं उसमें काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो ये एक विन विन कंडीशन होती है हर एक स्टूडेंट के लिए इनसाइड कैंपस में। और हाँ, आपको वही होगा कि भाई हमें
आपने बता तो दिया कि भाई जॉब के इतने आर्स है, बट उसमें मिलता क्या पर आर के हिसाब से? तो पर आर के हिसाब से कैनेडियन स्टूडेंट को वहाँ, मतलब लाइक जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट होते उनको अप्रोक्सीमेटली $18 के हिसाब से, मतलब ऑन एन एवरेज इतना मिलता है। जैसे कोई स्टूडेंट जिस तरह की जॉब करता है तो उसको $10 मिलते हैं, किसी को $15 मिलते हैं, किसी को $18 तक ही मिलते हैं, बट मैक्सिमम $18 तक आप पर आर के हिसाब से अर्न कर सकते हो। सो आपको आज के वीडियो में पूरी कनाडा की एंटायर जर्नी के बारे में पता चल गया होगा। सो मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।